एआरएल ने दी। कर्नल मलेश्वरी को दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली उप कुलपति नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्नल मलेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम उप कुलपति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शुरू होना हमारे लिए बहुत बड़े सपने का पूरा होना है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 12वीं की आंतरिक मूल्यांकन की नीति 10 दिनों में अधिसूचित करने और 31 जुलाई तक परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश द्वारा जुलाई में परीक्षा आयोजित करने के फैसले से असंतुष्टि जताते हुए कहा कि एक भी मौत होने पर वो 11 करोड़ मुआवजे का आदेश दे सकता है। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन और देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैपिटलाइजेशन लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मुकेश अंबानी का भाषण शुरू होने से पहले कंपनी के शेयरों में करीबन 2% की गिरावट दिख रही है। इस मीटिंग में कंपनी के सभी 12 डायरेक्टर मौजूद हैं। मीटिंग की शुरुआत में कंपनी ने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जो कोविड-19 महामारी के दौरान नहीं रहे। आईएमए उत्तराखंड ने डीजीपी अशोक कुमार को पत्र लिखकर योग गुरु रामदेव और पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। बकौल आईएमए रामदेव का खुलेआम ये कहना कि उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता ये दिखाता है कि वो और उनके साथी इस देश की कानून व्यवस्था को कुछ नहीं समझते। भारतीय नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर किसानों से बातचीत न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोग यहाँ हैं। ये ट्रैक्टर इसी देश के हैं, अफगानिस्तान से नहीं आए हैं। बकौल टिकैत हम 7 महीनों से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। किसान नेता व भवानी एक के सरपंच सुनील चौधरी की देखरेख में बुधवार को बैठक कर सरकार व कृषि विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। सरपंच ने बताया कि कृषि विभाग के पास अनेक योजनाएं तो है जिसका लाभ किसान को नहीं मिल रहा है, चंद शहीदों को ही लाभ मिलता है। इसका मुख्य कारण किसानों को जागरूक नहीं किया जाता। एक माह भारी वर्षा व ओलावृष्टि के चलते किसान को भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले भी किसानों की फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाया। इस मौके पर विजय कुमार, मंजीत कुमार, राजेश आदि की मौजूदगी रही। किसानों की सूद लेकर खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। खौर तथा ज्योरियों में धान की रोपाई का काम सिंचाई के लिए नहर का पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों की तरफ से धीमा कर दिया गया है। किसानों के अनुसार उन्होंने अभी तक सिर्फ 10% तक ही धान की फसल की रोपाई हुई है। रोपाई की हुई फसल सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने सूखने के कगार पर है। किसानों के अनुसार नहर में पानी बहुत कम आ रहा है। विभाग की तरफ से बराबंदी भी कर दी गई है। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने राज्य के सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला गव्य विकास पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री पशु धन योजना का 100% क्रियान्वयन का निर्देश दिया है। सिद्दीकी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य में कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। वहीं 30 जून को भू दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाभार्थियों के बीच वितरण किए जाने वाले उपांदनों का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में करने व पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराने को कहा। अब नजर डालते खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़े कुछ खबरों की। बिहार मुंबई महानगर पालिका ने बुधवार को बताया कि अभिनेता अमिताभ बच्चन ने नगर निकाय द्वारा संचालित लोकमान्य तिलक अस्पताल को उच्च प्रौद्योगिकी वाले 2 वेंटिलेटर दान किए हैं। बकौल बीएमसी इन वेंटिलेटर से पिछले कुछ दिनों में 30 मरीजों का इलाज हुआ है। अमिताभ ने अस्पताल को मॉनिटर और इन्फ्यूजन पंप समेत कुल 1.75 करोड़ के अन्य उपकरण भी दिए।
ऑफ डे में हुआ। बारिश से दो दिन धुले मैच में न्यूजीलैंड इंडिया को 8 विकेट से हराकर पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा जमाया। मैच के बाद कोहली ने कहा कि न्यूजीलैंड टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने के योग है, लेकिन वो चाहते हैं कि भविष्य में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता का फैसला बेस्ट ऑफ 3 से होना चाहिए। कोहली ने फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वो इसे केवल एक टेस्ट मैच के रूप में ले रहे हैं और इसके नतीजे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी टीम ने बीते 2 साल में शानदार टेस्ट क्रिकेट खेली है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसे में आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे।